हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोटिको सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही अलग और स्पेशल वीडियो है, जिसमें मैं एक छोटी सी चीज़ प्रेजेंट करने जा रही हूँ आप सभी के सामने, जो आज के डेट में, आज के आधुनिक वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है, जो है हमारे घर का जो ऑरा है, जो वातावरण है, जो एयर है, उसको कैसे हम प्यूरीफाई करते हैं, कैसे पॉजिटिविटी लाते हैं घर में और निगेटिविटी को कैसे दूर करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल पॉल्यूशन है इतना कि हमारा घर का जो वातावरण है, किचन की स्मेल है, कुछ खाना बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ स्मेल्स आ जाती है और कुछ निगेटिविटी भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपके घर से निगेटिविटी पूरी चली जाएगी और घर में हमेशा पॉजिटिव वातावरण रहेगा और साथ में एयर को प्यूरीफाई करेगा, ताकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी मॉस्किटो, कुछ भी आपके घर पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ सामग्री क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं, बट उससे पहले एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आजकल मैं पूजा में जो भी सामग्री यूज़ करती हूँ वो प्योर ऑर्गेनिक है। पहले भी होता था, बट उतना टाइम या उतना नॉलेज नहीं होता था कि हम उसको अच्छे से स्टडी करके और रिसर्च करके ला पाए, बट अभी काफ़ी टाइम उसमें जा रहा है तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ कि क्या है वो ऑर्गेनिक चीज़ जो डेली पूजा में प्रातःकालीन भी और सायंकालीन भी यूज़ होती है। वो है हमारी संबरानी कप्स, जो लोबान कप्स होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं पूजा में। और दूसरे धूप, अगरबत्ती तो हम नहीं जलाते हैं क्योंकि उसमें बांस होता है और बांस को घर में नहीं जलाया जाता है, प्लस अगरबत्ती में आजकल बहुत केमिकल्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए शुद्ध धूप या शुद्ध संबरानी का कप हम जलाते हैं। तो मैं शो करती हूँ कि मैं किस ब्रांड का जलाती हूँ। वो ब्रांड अभी बहुत फेमस भी है और काफ़ी अच्छा है, शुद्ध है, ऑर्गेनिक है। और उस ब्रांड की एक सबसे ख़ास बात ये है कि जो बड़े बड़े मंदिर है, जैसे काशी विश्वनाथ है, अयोध्या मंदिर है, वहाँ पर जो पुष्प अर्पित होते हैं हमारे प्रभु को चरणों में, वही पुष्प को अच्छे से सुखा करके उनसे धूप जलाई जाती है, सॉरी धूप बनाई जाती है, तो वो भी एक प्रकार है। बट मैंने वैसा कुछ नहीं मंगाया है, मैंने बहुत सिंपल सा धूप मंगाया है, मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ और ये आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, लोबान की है। लोबान तो आप सभी को पता है पूजा में बहुत यूज़ होता है और अच्छे से ये बहुत पवित्र माना जाता है और एयर को क्लीन करता है। इसको ओपन करते हैं। ये है ब्रांड फूल, आपको फेसबुक पे पेज इसका दिख जाएगा, मुझे भी दिखा था बट मैंने इंस्टामार्ट से ही मंगाया है। तो ये मैं डेली सुबह शाम जलाती हूँ, आप देख सकते हैं इसमें लोबान का और ये गाय के गोबर के कंडे के अंदर सारे लोबान हवन सामग्री। तो ये पूरे सामग्री कप है, ये घर के वातावरण को बहुत शुद्ध भी कर देती है और काफ़ी खुशनुमा कर देती है, मतलब उसमें बहुत एक अच्छी सी सुगंध प्राप्त होती है हमें, जिससे हमें और भी ध्यान में लगने में अच्छा लगता है, मेडिटेशन करने में अच्छा लगता है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा कॉस्टली है बट हम इतने सारे खर्चे तो घर में करते ही हैं, तो हम थोड़ा अपने प्रभु की सेवा में कर लेंगे, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, मैं बार बार बोलती हूँ, तो उनकी सेवा में अगर हम कुछ पैसे लगा भी देंगे तो उन्हीं को समर्पित होगा वो। तो ये है वो कप्स और इसी ब्रांड का मैंने लिया है ये। ये ब्रांड की तरफ से लेटर आता है जिसमें सर्टिफाइड है कि ये इको फ्रेंडली है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और पूरा प्योर है। ये बॉक्स खोलते ही आपको इतनी खुशबू आएगी, इसमें सच्ची बोल रही हूँ, इसमें सबसे अच्छी बात है ये जो सेरामिक कप्स हमें मिलता है जलाने के लिए, धूप के लिए भी एक हमें कप मिला है और संबरानी के लिए भी हमें एक छोटा सा कप मिला है। किसी दिन वो मैं जलाऊंगी तो ज़रूर शो करूंगी। अभी आप ये देखिए,
ये जो कौनस है, इससे बिना जलाए भी अगर आप अपने मंदिर में रख देंगे तो इतनी अच्छी खुशबू आती है कि इसकी अलग ही ऑरा होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑरा क्लींजिंग की, हमारे घर को पॉजिटिव बनाने की। तो यदि आपके पास टाइम नहीं है, जॉब वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे ये कौन सुबह शाम जला दीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपका घर हमेशा सुगंधित भी रहेगा, प्लस आपका घर में कोई भी निगेटिविटी नहीं रहेगी। तो ये हुई मेरे कौन की बात। और एक और ब्रांड है जिसका मैं कप यूज़ करती हूँ, देखिए पूरा यूज़ भी कर लिया, अब काफ़ी ख़त्म हो गया। इसमें तीन ये आते हैं अरोमा, रोज़ के अरोमा है। इसमें आप देख सकते हैं पैकेट पे ऐसा लिखा है, 3-in-1 फ्रेग्रेंस, त्रया के है, मंगलदीप का। ये भी काफ़ी अच्छा होता है, तो कभी कभी ये भी जला लेती हूँ मैं। तो ये रही हमारी डेली की पूजा की धूप की सामग्री। अब मैं आपको शो कर रही हूँ, आपको कैमरे पे दिख रहा होगा कि ये मैंने एक छोटा सा हवन कुंड रखा है, काफ़ी यूज़ करते करते ये डार्क हो गया है। इसमें सूखी नीम की पत्तियाँ रखी हैं। ऑरा क्लींजिंग के लिए नीम की पत्तियाँ तो बहुत ही मस्ट हैं, ज़रूरी है, तो आप ज़रूर से नीम की सूखी हुई पत्तियाँ ले सकते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें मैं शो करती हूँ, फिर धीरे धीरे ऐड करेंगे। ये है लौंग, ये है कपूर, भीमसेनी कपूर ही यूज़ कीजिए, 100% प्योर होता है। इसके अलावा कोई भी कपूर आप यूज़ मत कीजिए, भीमसेनी कपूर ही आपको यूज़ करना है। ये देखिए 100% प्योर लिखा हुआ है, ये 100 ग्राम्स है, और इसका प्राइस आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बता दूँगी। तो ये सारी सामग्री मेरी डेली यूज़ होने वाली सामग्री है, और इसके साथ ये लौंग मैंने शो कर दिया है। ये है इलायची, ये है दालचीनी, घी, घी मैं ये लेती हूँ नंदिनी घी, बैंगलोर में काफ़ी फेमस है, और इसी से हम खाना भी बनाते हैं, और इसी ब्रांड के घी से हम खाना भी बनाते हैं, और सेम ब्रांड का घी हम पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये कलर, ये डब्बे में भर के रखा हुआ है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा के लिए अलग घी जो पूजा की शॉप से आता है वो प्योर नहीं होता है, वो मिक्स्ड होता है, तो वो आप मत लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको रेडीमेड घी वाली बातियाँ मिलती है मार्केट में, वो तो कभी मत लीजिए। मैंने एक बार लिया था, किसी वीडियो में मैंने शेयर भी किया, बट वो जलाने के बाद वो मोमबत्ती जैसी हो जाती है, और वो बिल्कुल भी घी की बातियाँ नहीं होती है। तो उसे आप कभी भी अपने पूजा में यूज़ मत कीजिए, और हमेशा जो चीज़ें आप खाते हैं अपने लिए जितने प्रेम से, जितने अच्छे से क्वालिटी चीज़ें मार्केट से लाते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, घी हो, दूध हो, दही हो, फल इत्यादि कुछ भी हो, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को आप वही भोग लगाएं। ये नहीं कि पूजा के चीज़ें हैं वो सस्ती हो और अपने घर की चीज़ें वो महंगी हो, ऐसा कुछ भेदभाव ना करें। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट तेज़पत्ता, ये भी हम यूज़ करने वाले हैं। और ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी टोकरी, ये भी मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत है। इसमें चीज़ें रखी रहती हैं पूजा की। अभी तेज़पत्ता के फ़ायदे आपको पता है, यदि आप दाल के डब्बे में, चावल के डब्बे में एक तेज़पत्ता डाल के भी रख देते हैं तो उसमें घुन नहीं लगता, कीड़े नहीं आते। प्लस तेज़पत्ता अगर आप किचन के किसी कॉर्नर पर रख दें जिधर कॉकरोच वगैरह भी आते हैं, तो वहाँ से भी चीटियाँ कॉकरोच भाग जाते हैं, इतना पावरफुल होता है तेज़पत्ता। तो तेज़पत्ता आपके किचन में रहता ही है, दालचीनी रहती है, लौंग इलायची रहती ही है, घी रहता है, सिर्फ कपूर आपको ऐड करना है, और एक शुद्ध धूप आप ऐड कर सकते हैं ऑरा को और भी सुगंधित बनाने के लिए और भी मनमोहक बनाने के लिए। तो आप छोटा सा मेडिटेशन का म्यूज़िक चला लें और इस तरीके से आप सारे सामग्री को ऐड कर सकते हैं। मैं शो करती हूँ फटाक से कैसे हमें ये पॉजिटिविटी लानी है हमारे घर में किन किन चीज़ों से। ये लिया है मैंने एक तेज़पत्ता, आपके सामने ही मैं इसको कट करके अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट करके हमें डाल देने हैं। इससे क्या होगा, अच्छे से सारी सामग्री मिक्स हो जाएगी और अच्छे से जल जाएगी। ये दालचीनी, हमें सब कुछ
हफ्ते में एक दिन या दो दिन कर सकते हैं, डेली आपका मन करे तो कर सकते हैं। मैं डेली नहीं करती हूँ, मैं मोस्टली वीक में दो बार करती हूँ। ये है दालचीनी, लौंग, ज़्यादा नहीं एक ही लौंग मैं जलाती हूँ, तो सिंगल लौंग ही मैं रखी हूँ। इलायची, एक ही इलायची जलाती हूँ, सिंगल इलायची। ये है धूप, और कपूर को तो आपने मैंने शो किया है, इसके छोटे से पीस ये रहे। सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं, और कुछ भी इसमें नहीं डालती हूँ मैं, सिर्फ इतनी है। अगर आपको धूप नहीं डालना है तो आप ये संबरानी कप भी डाल सकते हैं, इससे भी ये क्लींजिंग घर की हो जाती है। अब मेरा फेवरेट मैच बॉक्स, इसको जलाने से पहले यस एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है घी। हल्की सी घी डालनी है, ज़्यादा नहीं, और इसे हम प्रभु का नाम लेके जला देते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि चीज़ें एक दूसरे से ऐसे पकड़ लें, नहीं तो क्या होगा, सेंटर सेंटर में ये जल जाएंगी। और इसको मैंने यहाँ कटोरी पे रखा है क्योंकि ये गर्म हो जाता है, तो कटोरी के साथ ही ऐसे होल्ड कर लेती हूँ, और पूरे घर में इस तरीके से आप घुमा दें। आप सोच रहे होंगे ये रोज़ पेटल्स मैंने क्यों रखे, ये रोज़ पेटल्स पूजा के लिए मैं लेकर के आती हूँ, तो ये भी सूख जाते हैं, तो हम इस क्लींजिंग पॉट में डाल देते हैं, और इससे भी घर का जो अरोमा है क्लीन हो जाता है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, या आप ये फॉलो करते हैं तो उसमें कौन सी एडिशनल सामग्री डालते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। तो इसी के साथ मैं ये एंड करती हूँ वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। कोई भी वीडियो आपको पसंद आए तो आई एम कमिंग बैक विद अ रेगुलर वीडियोज़। पहले मैं उतने रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पाती थी, बट अभी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ वापस से सेम स्पीड। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और कुछ हेल्प मिली हो तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।